टाइम एक्सरसाइजेस के बारे में जो कि आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, ऑफिस में तो भी आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथलीट आकाश। माय नेम इज आकाश एंड आई एम एन एथलीट। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है सभी लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है या फिर हम वर्कआउट करने का टाइम नहीं निकाल पाते किसी कारणवश। तो उन लोगों के लिए आज मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा, उसका नाम है फ्री टाइम एक्सरसाइजेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री टाइम एक्सरसाइजेस के बारे में जो कि आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर में हैं तो भी उन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिस में हैं तो भी आप उन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। वो भी बहुत फ्री टाइम एक्सरसाइजेस हैं, मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप उन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर लेंगे और अपनी बॉडी को अच्छे से फिट रख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को खराब किए और जान लेते हैं इन फ्री टाइम एक्सरसाइजेस के बारे में। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार की होगी। चलिए देखते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको कैसे करना है दोस्तों, आपको सीधे खड़े हो जाना है एंड अपने हाथों को पहले एक बार मुट्ठी बंद करनी है तेज एंड खोलना है पूरा स्ट्रेच करके और फिर बंद करना है पूरा पूरा। देखिए दोस्तों, पूरा फोर आर्म टाइट हो जाना चाहिए कुछ इस तरह एंड उसके बाद पूरा तेज खोलना है आपको, पूरा स्ट्रेच करके फिर बंद करना है, फिर खोलना है पूरे स्ट्रेच के साथ एंड पूरे स्ट्रेच के साथ बंद करना है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को करने से क्या होगा दोस्तों, जब भी आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो इससे आपके हाथों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, जिससे कि आप अपने काम को करने में मतलब एक्टिव अपने आप को फील एक्टिव फील करेंगे, अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज रहेगा तो आप मतलब सुस्ती नहीं आएगी आपको काम में। एंड साथ ही साथ इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप लगातार जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कहीं खड़े हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में खड़े हैं तो आप अपने हाथों को कुछ इस प्रकार पीछे रख के एंड ये ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, देखिए किसी को पता भी नहीं चलेगा दोस्तों आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आप ऐसे इन एक्सरसाइज करेंगे तो इससे एक चीज़ एक फ़ायदा और होगा दोस्तों, इससे होगा आपकी आपका पूरा ध्यान आपकी बॉडी पे होगा एंड आप अपनी थिंकिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप अपनी ओवर थिंकिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के थ्रू। तो आप अपने फ्री टाइम में ज़रूर इस एक्सरसाइज को यूज़ करें, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की। तो सेकेंड एक्सरसाइज आपको क्या करना है आपकी फ्री टाइम में, तो आप ये कर सकते हैं दोस्तों, सेकेंड एक्सरसाइज बहुत ही मतलब हेल्पफुल एक्सरसाइज है, मैं हमेशा ये एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई इस एक्सरसाइज से। तो सेकेंड एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली इस एक्सरसाइज को भी करने के लिए आपको अपने हाथों को पूरा ऐसे बंद कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप कहीं भी खड़े हैं तो अपने हाथों को ऐसे बंद रखें, पूरा टाइट करते रहना, पूरा स्क्वीज करते रहना करते रहना। आप दो से तीन मिनट आप अपने हाथों को कुछ इस तरह मुट्ठी को बंद कर सकते हैं पूरा तेज, और दो तीन मिनट लगातार प्रेशर देते रहना, पूरा टाइट करते रहना एंड उसके बाद आपको बहुत ही स्लोली अपनी मुट्ठियों को खोलना है, बहुत ही स्लो आपको अपनी मुट्ठी को खोलना है कुछ इस तरह दोस्तों, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होने वाला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, आपका फोर आर्म बहुत तगड़ा होने वाला है इससे। एंड सेकंड, जैसे ही आप धीरे धीरे खोलते अपने पूरी उंगलियों को कुछ इस प्रकार स्ट्रेच करना है दोस्तों, जिससे क्या होगा इससे आपकी पूरी फोर आर्म की मसल्स और आपकी जो शोल्डर से जो अटैच मसल्स हैं, मतलब दोस्तों होता क्या है, जो हमारी यहाँ की मसल्स है वो हमारी पूरी बॉडी से कनेक्टेड है। तो अगर आप ये यहाँ से अगर इस मसल्स को अगर आप करते हैं लगातार फ्री टाइम में आप इसको करते हैं तो इससे आपकी पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ मतलब स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, मसल्स की पावर इंक्रीज होगी एंड साथ ही साथ आप अपनी थिंकिंग्स को कंट्रोल कर सकोगे, आप अपने फ्री टाइम का अच्छे से यूज़ कर सकोगे। तो आपको कुछ नहीं ज़्यादा दोस्तों, आप ये कर सकते हैं पूरा स्ट्रेच करके, इसको भी ऐसे होल्ड करना है 2 या 3 मिनट पूरा लास्ट तक, जब तक आपका हाथ वाइब्रेट ना होने लग जाए तब तक, ये मेरा हाथ वाइब्रेट होने लग गया एंड फिर स्लोली छोड़ना है एंड स्लोली आपको बंद करना है दोबारा से मुट्ठी को। तो यही दोस्तों, तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है, आप अपने फ्री टाइम में ज़रूर इस एक्सरसाइज को यूज़ करें। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको थर्ड एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो थर्ड एक्सरसाइज को आप करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने हाथों को कुछ सीधा करना है ऐसे एंड 45 डिग्रीज पे एंड इनर होल्ड ऐसे, इससे क्या होगा आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। आपको बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, ऐसे होल्ड करके आपको गिनती करना है, कम से कम आप 30 टाइम्स ऐसे करें
आपकी शोल्डर भी अच्छी होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आप अपनी थिंकिंग्स को कंट्रोल करोगे, कर सकोगे इस एक्सरसाइज के थ्रू। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों हमारी 3 बेस्ट फ्री टाइम एक्सरसाइजेस, जिसको आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं एंड साथ ही साथ अपनी परफॉर्मेंस को बिल्ड कर सकते हैं एंड अपने आप को आप बूस्ट कर सकते हैं, अपने टाइम को यूज कर सकते हैं, अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन एक्सरसाइजेस को आप जरूर अपनी डेली रूटीन में ऐड करें, मैं हमेशा करता हूँ एंड मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ इससे। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प होगा। अगर मेरी वीडियो से कुछ हेल्प हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा, मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।